कपिल शर्मा ने अपने हाथों पर लिखा है उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोइस का नाम। ये बात 100% सच है क्योंकि जब कपिल के करीबी दोस्त अली असगर कपिल शर्मा से मिलने पहुंचे, तब उन्होंने खुद देखा कि कपिल शर्मा ने अपने हाथों पर लिखा है प्रीति सिमोइस का नाम। जब सुनते हैं कि डिप्रेशन में है, टॉर्चर हो रहा है, उसको टॉर्चर किया गया है और क्या 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 आ रहा है, तो बहुत गंदा लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है हम सब उसके लिए रेडी है, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब प्रीति का ही फ़ोन आया था कि सुना है कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो 2-3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला है, तो प्लीज़ आप अली भाई, आप बड़े हो, आप जाओ जा कर के मिल के उनसे देखो तो सही उसकी हाल क्या है, सब पूछ कराओ। तो मैं गया था ऑफिस में और ऑफिस जा कर के भी उस टाइम पे बहुत अजीब सा लगा था। अभी वो अकेला ही वो लेटा हुआ था कपिल, वहाँ जा कर के मैं बहुत दुख हुआ। मतलब ऐसा देखा नहीं गया उसको, वो भी थोड़ा सा ऐसा थका हुआ सा था, तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी उठ के अली भाई कैसे हो, क्या है, मिले। थोड़ी देर तक तो गला भर गया था, बात नहीं कर पाया मैं। जैसे जैसे करके मैं कंट्रोल किया अपने आप को कि क्या है कपिल, अच्छा नहीं है, जो कुछ है। और थ्रू आउट बातों के अंदर लग रहा था वो मिस कर रहा है डेफिनेटली हम सबको, और ख़ास तौर पर प्रीति को वो मिस कर रहे थे बिल्कुल। पर ऐसे होते ना कि बच्चे जैसा एक होता ना कि जो उसको चीज़ कुछ चाहिए लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहा है, बच्चे तो हाथ पे नाम लिख लेते हैं। डेफिनेटली पूरी टीम मिस कर रहे, वो प्रीति को मिस हो रहा है। ऐसे होता है, वैसे करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। ये था ना कि एक दूसरे को 5 मिनट तो एक दूसरे को हम देख रहे थे बस, मैं और कपिल एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा कि बहुत ज़माने के बाद हम मिल रहे हैं। नहीं अच्छा है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। कपिल की हालत इन दिनों बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया को हंसाते हंसाते लोटपोट करने वाला कपिल शर्मा आज मायूस हो चुका है। मैं एक्चुअली अपसेट था, गम की अंधेरी दुनिया में वो गायब हो चुका है। कपिल शर्मा के करीबी दोस्त अली असगर जब उनसे मिलने पहुंचे, तब कपिल का हाल देखकर उनकी आंखें भर आई। कपिल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, उन्होंने भी अली को देखा और देखते ही रह गए। आंखों आंखों से तो दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की। इसलिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था सर, वो उनके लिए भी मेरे लिए भी। मैं बोलता हूँ ना, वो बच्चा है कपिल, है ना, सीरियसली बच्चा है वो। उसको खुद को सेंस नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहा है। एक बच्चा होता है ना, बच्चे को चाहिए लेकिन वो जिद भी कर रहा है, उसको नहीं भी पता, उसको ये भी नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बोलते ना ओपनली बात नहीं कर पाया बराबर से, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर कुछ वो जो उनके सर्कल वाले थे सब वो वहाँ पर आ गए थे, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन एक बड़े भाई के हिसाब से मैंने उनसे कहा था कि आपके लिए हम लोग हैं सब साथ में, और एक आवाज़ दो कपिल, मैं सबको लेकर आ। भी जो है प्रीति भी जो है वो भी यहाँ डिस्टर्ब रहती है, ये भी बिल्कुल एक बोलते ना कभी फ़ोन पे बात करते करते चले जाती है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ऐसी है, उसकी हालत ये। तो ये जब दोनों तरफ ऐसा है तो फिर इतने मैच्योर्ड लेवल पे है सारा कुछ, तो आप इस चीज़ को बैठ के ख़त्म करो ना। एंड ज़रूरी नहीं है सर कि आप रिलेशंस वर्कआउट होते हैं, कभी रिलेशंस वर्कआउट नहीं होते, इट्स फेयर। एक रिश्ता जिसकी वजह से खूब सारी शोहरत मिली, दोस्ती भी मिली और प्यार भी मिला, लेकिन आज ये दोनों ही रिश्ते टूट गए हैं, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो नहीं चाहता कि कपिल शर्मा अपनी पुरानी टीम के पास लौटे? कौन है जिसे मंजूर है कपिल शर्मा का ये गम, लेकिन वो कपिल को खुश नहीं देखना चाहते? अली का एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जब वो कपिल से मिलने गए थे तो आपका नाम उन्होंने अपने हाथ पर लिख रखा था, प्रीति उन्होंने नाम लिख रखा था कपिल ने अपने हाथ पर। मैं कपिल को बहुत मिस करती हूँ रशिया, क्योंकि मैंने उनके साथ दिन रात स्पेंड किया है 8 साल। हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा अचीव किया और बहुत सारा अचीव करने का ड्राइव था, हमें हमारा मोटिवेशन था, और जस्ट पर्सनली प्रोफेशनली बट ऑल्सो एज ह्यूमन बींग हम लोग ग्रो कर रहे थे। उन्होंने कुछ डिसीजन लिए अपनी लाइफ में जिसकी वजह से मैं उसमें नहीं रह सकती थी एनी मोर। पीपल कॉल इट जेलसी, बट आई कॉल इट सेल्फ रिस्पेक्ट।
अगर कपिल मुझे मिस करते हैं, मैं जानती हूँ मुझे मिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार ये बात बोली और मैंने उनको कम से कम 100 बार ये बात बोली होगी इन रिटर्न। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको दिखा है वो बंदा है ही या इंसान जो आपके सामने है, जो सफर कर रहा है इतना ज़्यादा, जो दुनिया में बार बार अपने भाई से अपने इंटरव्यू में बोल रहा है मैं डिप्रेसिव हूँ, मैं सुसाइडिव हूँ, वो सारी दुनिया उस बात को समझ रही है इस पॉइंट इन टाइम पे। सब उसकी इसकी सपोर्ट में है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि डिप्रेशन इज अ वेरी सीरियस मेंटल इलनेस। उस इंसान से मैं नाराज होकर नर्क में जाऊँगी सुशीला, मैं हो नहीं सकती। मैं तो मेरा बस चले तो मैं अभी उनके घर पहुँच जाऊँ, तो मुझे पता है वो भी मेरे बस में है, मैं कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ जो भी, मुझे नहीं पता मुझे किस टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा अगर मैं उनकी घंटी 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 बचा दूँ। और मैं होप कर दूँ कि अगर सारी दुनिया उनकी प्रॉब्लम समझ रही है तो कहीं ना कहीं वो लोग जो उनके साथ हैं और उनकी फैमिली, उनकी मॉम, उनकी सिस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं उनके डिसीजन में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझें कि ठीक है आप लोगों ने चूज किया, वो शायद आपके लिए पिक्चर परफेक्ट चॉइस थी और आपको लगा ये परफेक्ट है हमारी फैमिली के लिए, बट वो इंसान भी तो बदल गया ना 8-10 साल में जब से वो आपसे दूर रहा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स, उसको ग्रो करने के लिए शायद वो लोग ठीक नहीं है, वो नहीं ले पा रहा है इस समय वो डिसीजन बिकॉज वो मेंटली कितना वीक हो गया है, तो वो किसी डायरेक्शन में भी आप उसको मैनिपुलेट कर लें वो हो जाएगा बिकॉज वो अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे अब, ऑब्वियसली नहीं कर रहे, वो फोन कॉल से ही पता चल रहा है, उनके ट्वीट से पता चल रहा है, वो नहीं कर पा रहे, प्लीज आप तो कीजिए। एक और आपने देखा अली असगर का आंखों देखा हाल, तो दूसरी ओर कपिल शर्मा की गर्लफ्रेंड ने कहा था कि कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा उनके घर आए थे जहां पर प्रीति कपिल शर्मा के साथ काम करने को तैयार हो गई थी, सब कुछ ठीक ठाक होने ही वाला था, लेकिन जब कपिल घर पहुंचे तो उसके बाद प्रीति को मैसेज आया कि कपिल की मंगेतर गिननी नहीं चाहती है कि कपिल शर्मा अपनी पुरानी टीम के साथ काम करे। मेरे घर आए थे और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, और पिछले एक साल में ये पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने परेशान होकर या तंग होकर मुझे फ़ोन किया हो या मिलने के लिए कहा हो। हम इस पूरे बारे में पहले के 2-3 महीने छोड़कर बहुत बार मिले और लोगों के सामने मिले, ऑफिस में मिले, बाहर मिले, कई प्लान बने और ही सर ओके, और हमारी बहुत लंबी बात हुई और इसी बात पे कंक्लूजन हुआ कि हाँ ठीक है मैं जाके सब कुछ सेट करता हूँ और हम कल से काम शुरू करते हैं। साथ में थी जो मेरी बहन है वो भी इस कॉन्वर्सेशन के साथ थी। फिर वो वापस आए और मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट 2 दिन बाद उनका मैसेज आया मुझे कि नहीं मैं जो लोग मेरी लाइफ में हैं मैं उन्हें प्रायोरिटी देना चाहता हूँ और मैं ये नहीं कर पाऊँ। जो लोग मतलब उसने उन्होंने नाम भी आपने शेयर किया था इंटरव्यू में? हाँ बेसिकली आई थिंक उनकी गर्लफ्रेंड या शायद वो शादी करने का प्लान था या जो भी था, वो कंफर्टेबल नहीं थे उनको ये सोच के कि मैं वापस आ जाऊँगी, और शायद राजीव दीना जी को भी प्रॉब्लम थी इससे, उनको शायद ये लगा कि ये वापस आ जाएगी तो फिर से हम लोग आ जाएंगे। अब दोनों की बातें सुनने के बाद आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कपिल का साथ देना चाहता है और कौन साथ नहीं देना चाहता है। अब कपिल सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला तो आप ही ले सकते हैं, और ये फैसला आपको जल्द से जल्द लेना होगा क्योंकि आपके फैंस आपको सही सलामत देखना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनका कपिल शर्मा गुमनाम वादियों में खो जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।